हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा, आज हम डील करने वाले हैं रेड्रेसल सिस्टम के साथ। किस चीज़ के साथ सर? रेड्रेसल सिस्टम। सर, ये रेड्रेसल सिस्टम क्या होता है? बेटा, दिस इज द सिस्टम जिसको बनाया गया है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द कंज्यूमर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा क्या करा जाता है, कंज्यूमर को जस्टिस प्रोवाइड करा जाता है। सो वी कैन से दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस को किस तरीके से सर्व करा जाएगा, उस जस्टिस को इस सिस्टम के थ्रू ही सर्व करा जाएगा। सर, इस सिस्टम को बच्चों तीन पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में। फर्स्ट वन इज कि हु कैन फाइल द कंप्लेंट। सेकेंड वन इज टू whom वी कैन फाइल the कंप्लेंट। एंड थर्ड वन इज what काइंड ऑफ reliefs आर अवेलेबल, what काइंड ऑफ reliefs एंड रेमेडीज आर अवेलेबल। कहने का मतलब क्या है सर, आप बोलना क्या चाह रहे हो? बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बोला गया कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि किसी भी कंज्यूमर को किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड फाइल द केस इन फ्रंट ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसको क्या करना चाहिए? एक अथॉरिटी के सामने जाके केस फाइल करना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद जो अथॉरिटी है उसको, उस कंज्यूमर को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे? जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। मैं इन्हीं के बारे में तो बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट स्टेज, Who can file the complaint? कौन complaint file कर सकता? Second stage मैंने बोला to whom we can file the complaint? किसको हम complaint file कर सकते हैं? And third stage मैंने बोला what kind of remedies and reliefs are available under the act? क्या remedies और क्या reliefs मिलेंगे? किस तरीके से compensation मिलेगा? किस तरीके से justice मिलेगा इस act में? तो ये पूरे के पूरे act का एक soul है, एक तरीके से बोला जाए आत्मा है पूरे act की, बराबर। तो हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, क्या हुआ था कि आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड दैट इज प्लूमा। सर, प्लूमा क्या होता? अरे वही, वो एडी बास ने एबिडास का भाई। तो तुमने एक प्लूमा के कपड़े खरीदे थे एंड आप पहन के घूम रहे थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था, आप घूम रहे थे, और सडनली क्या होता है, बारिश शुरू होती है और वो कपड़े बह गए। अरे सर, पेपर है क्या बह गए? अरे बह गए, मैं क्या करूं सर, अब क्या बताऊं भाई, बह गए। अब क्या हुआ कि बह गए तो भैया तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सब लोग तुम पर हंस रहे थे, और तुमने क्या करा, तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुमको गलत क्लोथ प्रोवाइड करे गए हैं, तुमको ठगा गया है। तो तुमने क्या फैसला किया कि बॉस, मैं सामने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लेकर ही रहूंगा। और तुमने क्या करा कि उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया इन द कोर्ट, आपने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया। तो देखना, दो चीजें हो गई है। पहली चीज कि भैया पर्सन हु कैन फाइल द कंप्लेंट, तो जो पर्सन डिससेटिस्फाइड था विद दिस सर्विसेज, जो पर्सन जिसको सताया गया है, जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, वो पर्सन फाइल कर सकता है कंप्लेंट, बराबर। हु कैन फाइल द कंप्लेंट? द पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज, और आई कैन से दैट द एग्रीव्ड पार्टी, जिसको सताया गया है बच्चों, उसको बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी। सो एग्रीव्ड पार्टी विल फाइल द कंप्लेंट इन द कोर्ट। उसने क्या करा, कोर्ट में उस कंप्लेंट को फाइल करा, और फिर क्या होगा, कोर्ट विल प्रोवाइड द जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। वो सताए हुए इंसान को कोर्ट क्या करेगी, जस्टिस, न्याय पहुंचाएगी, ठीक है। और न्याय किसी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। वो बोल सकती है कि भैया उसको कंपनसेट करो, उसको पैसा दो, उसका जो भी रेपुटेशन हार्ड हुआ है आप उसका कंपनसेशन दो। तो किसी भी फॉर्म में उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये तीन स्टेज होती है बच्चे। फर्स्ट इज हु कैन फाइल द कंप्लेंट, सेकेंड इज टू हुम वी कैन फाइल द कंप्लेंट या टू हुम दे कैन फाइल द कंप्लेंट, एंड थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज एंड रिलीफ्स आर अवेलेबल अंडर द एक्ट, बराबर, ठीक है सर। तो सर, सबसे पहली वाली के साथ हम डील करते हैं, फर्स्ट स्टेज के साथ, हु कैन फाइल द कंप्लेंट। तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किसके पास अधिकार है, हु हैज राइट टू फाइल द कंप्लेंट। तो बोला गया सर कि एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ बुरा हुआ हो, जो डिससेटिस्फाइड था विद दिस सर्विसेज, कैन फाइल द कंप्लेंट। फिर बोला गया कि एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑफ द एसोसिएशन, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कोई एसोसिएशन बनी थी, और उसका कोई रजिस्टर्ड बंदा हो, तो इवन दे कैन फाइल द कंप्लेंट। इवन दिस सेड कि द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट,
इट मींस दैट इवन द गवर्नमेंट कैन फाइल द कंप्लेंट अगर उनके साथ बुरा हुआ। और उसके बाद बोला गया सर वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अगर कोई एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर था और वो भी चाहे तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ढेर सारे कंज्यूमर अगर उन सबका इंटरेस्ट सेम था तो। और फिर उसके बाद बोला गया सर कि लीगल हायर और वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर अगर किसी गलत सर्विसेज के चक्कर में किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उस इंसान का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इवन ही कैन फाइल द कंप्लेंट अगर वो चाहे तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट तो यहाँ पे पांच तरीके के लोग बोले गए जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनी कंज्यूमर, अदर इज एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, थर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ इज वन और मोर मेंबर, वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, एंड फिफ्थ वन इज लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर। बराबर है? अब हम आगे का नेक्स्ट पार्ट में डील करते हैं। थैंक यू बच्चों।